तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक लेसन लाइब्रेरी क्लासेस चल रहा है हम लोगों का और उसी लेसन के एक नए टॉपिक को आज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम कैरेक्टर टाइप डेटा। इसके पहले हमने इंटीजर फ्लोट लॉन्ग डबल इन सब के अलग अलग रैपर क्लासेस को हमने देखा और उनके अंदर में प्रेजेंट डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में स्टडी किया, साथ ही साथ उनके अंदर प्रेजेंट यानी कि उन रैपर क्लासेस के अंदर प्रेजेंट फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया, उनके यूजर्स को समझा और उससे रिलेटेड एक प्रोग्रामिंग भी हमने लास्ट क्लास के वीडियो में डिस्कस किया। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर टाइप के डेटा अगर हमारे पास होंगे तो उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, या आसान शब्दों में कहो तो जिस तरीके से इंटीजर फ्लोट लॉन्ग डबल हमारे पास रैपर क्लासेस थे, वैसे ही एक रैपर क्लास हमारे पास है कैरेक्टर। इट इज ऑल्सो अ रैपर क्लास और इस कैरेक्टर नाम के रैपर क्लास के अंदर में एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है जिसे हम लोग कहते हैं कैर। और ये तुमको पता है इसके अलावा भी कुछ और चीजें होती हैं इस कैरेक्टर नाम के रैपर क्लास के अंदर में। वो चीजें क्या है उसी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज हमारे पास आता है कि ये कैरेक्टर जो है, ये जो मैंने लिखा है, ये क्या कोई डेटा टाइप है या फिर ये कोई क्लास है? तो मैं आपको बता दूं, कैरेक्टर इज बेसिकली अ क्लास, इज अ रैपर क्लास। इट इज अ रैपर क्लास जो किस पैकेज के अंदर में स्टोर है? ये स्टोर है जावा डॉट लैंग नाम के पैकेज के अंदर में स्टोर है रैपर क्लास। कौन सा रैपर क्लास? कैरेक्टर नाम का रैपर क्लास। इस रैपर क्लास के अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं? तो इस रैपर क्लास के अंदर में पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है कैर नाम का एक प्रिमिटिव डेटा टाइप प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा कुछ फंक्शंस प्रेजेंट हैं इस कैरेक्टर नाम के क्लास के अंदर में, कैरेक्टर नाम के रैपर क्लास के अंदर में। किसी भी रैपर क्लास के अंदर में हमने पढ़ा था कि दो चीजें होती है, पहला होता है एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है कुछ फंक्शंस और हर एक फंक्शन के अलग अलग काम होते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया है। अभी सवाल आता है कि कैरेक्टर के अंदर में जो कैर नाम का डेटा टाइप है ये किस तरह के डेटा को स्टोर करता होगा। सपोज आपने ऐसा लिखा है कैर सी एच इक्वल टू, कैरेक्टर टाइप का ये डेटा टाइप है, वेरिएबल का नाम सी एच है, इसके अंदर में कुछ हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे होंगे, बट किस तरह का वैल्यू? इंटीजर एक न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है, फ्लोट डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, लॉन्ग लंबे न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है, डबल बड़े डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, देन कैरेक्टर किस तरह का डेटा स्टोर करेगा? तो कैरेक्टर विल स्टोर अ सिंगल डेटा, अ सिंगल कैरेक्टर, एंड दैट कैरेक्टर मे बी एनी लेटर, एनी नंबर, एनी स्पेशल डिजिट, एनीथिंग। दैट मीन्स अगर मेरे पास कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल सी एच है तो मैं इसके अंदर में लिख सकता हूं स्मॉल ए विथ सिंगल कोट्स। कैरेक्टर टाइप के डेटा को हमेशा सिंगल कोट्स में इनक्लोज रखना पड़ता है। दूसरी बात, कैरेक्टर के अंदर में सारे लेटर्स आ सकते हैं जितने भी अल्फाबेट्स हमारे पास हैं, सारे नंबर्स आ सकते हैं, सारे स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास टोटल 128 कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, बट सारे कैरेक्टर्स को कीबोर्ड में नहीं रखा गया होगा ड्यू टू द स्मॉल स्पेस, ज्यादा स्पेस नहीं होता ना कीबोर्ड में, दैट इज वाई वहां पर 128 कैरेक्टर्स को नहीं रखा गया है। बट नॉर्मली हमारे पास कैरेक्टर्स की संख्या कितनी है? 128। और उनमें से एक एग्जांपल हमारे सामने है, वैसे ही मैं लिख सकता हूं यहां पर कैर मान लो सी एच वन इक्वल टू, मैं लिखा हूं जीरो। जीरो कैन बी ए कैरेक्टर, तुम बोलोगे जीरो तो एक नंबर है,
यस, बट जब उसे इन सिंगल कोट्स में रख देंगे देन इट विल बी कैरेक्टर। अगर मेरे पास एक और कैरेक्टर है, इसके अंदर मैं सपोज मैं एस्ट्रिक लिख दूंगा, तो एस्ट्रिक इज अ कैरेक्टर, इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर। इस तरीके से मेरे पास कैरेक्टर के लिए कोई भी कैरेक्टर मेरा हो सकता है। जैसे कि यहां पर मैं इसको जीरो ना लिख के मान लो मैं लिखा हूं एट, सो एट कैन बी अ कैरेक्टर। यस इट इज अ कैरेक्टर बिकॉज इसको मैंने सिंगल कोट्स के अंदर में डाल कर रखा है। आई होप आपको कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि कैरेक्टर टाइप का जो डेटा टाइप है ये किस तरह के वैल्यूज को स्टोर करता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैरेक्टर नाम के रैपर क्लास के अंदर में जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से फंक्शंस प्रेजेंट हैं। तो काइंडली आप कॉपी कलम निकालिए और जल्दी जल्दी से इसके नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला जो फंक्शन है कैरेक्टर नाम के क्लास के अंदर में, कैरेक्टर नाम के रैपर क्लास के अंदर में, वो है इज डिजिट। ये एक फंक्शन है। एक और फंक्शन है इज लेटर। एक फंक्शन है इज लेटर और डिजिट। और एक फंक्शन है इज वाइट स्पेस। ए नेक्स्ट फंक्शन इज अपर केस। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है इज लोअर केस। नेक्स्ट हमारे पास है टू अपर केस एंड द नेक्स्ट वन इज टू लोअर केस। इतने सारे फंक्शंस जो हैं कैरेक्टर नाम के रैपर क्लास के अंदर में प्रेजेंट रहता है, और कैरेक्टर एक रैपर क्लास है जो कि जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर में प्रेजेंट है। इसके अंदर में जो डेटा टाइप है दैट इज कैर, उसके अंदर में इस तरह के डेटा स्टोर होते हैं। अब इन डेटा के साथ हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मतलब कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शंस। अब हर एक फंक्शन का क्या क्या काम है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन प्रेजेंट है दैट इज डिजिट। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले वाले फंक्शन के साथ दैट इज डिजिट। ये फंक्शन क्या काम करता होगा, नाम बड़ा स्पष्ट कर रहा है। जब भी हम आगे लगा देते हैं इज तो यहां पर एक क्वेश्चन वाला बात आता है या चेक करने वाला बात आता है कि मेरे पास जो भी कैरेक्टर एंटर किया गया है क्या वो कैरेक्टर एक डिजिट है। क्योंकि मैंने आपको बताया कैरेक्टर कैन बी डिजिट, इट कैन बी अल्फाबेट, इट कैन बी स्पेशल कैरेक्टर। तो हमारे पास तो बहुत सारे अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। मुझे तो पता करना होगा हर बार कि मेरे पास जो कैरेक्टर प्रेजेंट है वो किस तरह का कैरेक्टर है, क्या वो डिजिट है, लेटर है, डिजिट है या लेटर है, मुझे पता करना होगा। चलिए उसी के लिए हम लोग यहां पर इज डिजिट नाम के फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लें कि आपके पास एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है सी एच, और इसके अंदर में आपने लिखा है स्मॉल लेटर में ए। ये आपका डेटा हो गया जो कि सी एच के अंदर में स्टोर है, और हम इस डिजिट का यूज करेंगे और चेक करेंगे कि इस सी एच नाम के वेरिएबल के अंदर में डिजिट है। अगर होगा तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, सबसे पहले उसे जानते हैं। तो इस डिजिट जो फंक्शन है ये क्या करता है, इट रिटर्न्स बूलियन वैल्यू। इट ऑलवेज रिटर्न बूलियन वैल्यू, यानी कि इस डिजिट जो है ये हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। यानी कि मुझे जो भी एक वेरिएबल लेना होगा जिसके अंदर में मैं रिजल्ट को स्टोर करूंगा वो क्या टाइप का होना चाहिए, वो होना चाहिए बूलियन टाइप का। सपोज बी इक्वल टू, मुझे लिखना होगा इस डिजिट को किसके चेक करने के लिए, ए को चेक करने के लिए कि ये डिजिट है या नहीं। तो मुझे यहां पर लिखना होगा सबसे पहले कैरेक्टर डॉट। तो ये कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर रैपर क्लास है।
जिसके अंदर में ये इज डिजिट नाम का फंक्शन प्रेजेंट है। आप एक बात याद रखिएगा कि हम इस इज डिजिट नाम के फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं इस इज डिजिट के रैपर क्लास के हेल्प से। और जब भी हम किसी फंक्शन को या किसी वेरिएबल को, डेटा मेंबर को उसके क्लास के नाम से एक्सेस करते हैं, तो उस फंक्शन को या उस वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक फंक्शन कहते हैं। दैट मींस कैरेक्टर टाइप के क्लास के अंदर में जो फंक्शन प्रेजेंट है इज डिजिट, ये किस टाइप का होगा? ये स्टैटिक टाइप का ही होगा, तब जाकर के मैं उसे उसके क्लास के हेल्प से एक्सेस कर रहा हूं। कैरेक्टर डॉट, मैं लिखूंगा कैरेक्टर इज अ क्लास डॉट फंक्शन का नाम लिखना होगा इज डिजिट, राइट। और हम किसको चेक कर रहे हैं? मेरा डिजिट किसके अंदर में स्टोर है? डिजिट स्टोर है सी एच नाम के वेरिएबल के अंदर में, तो मैं लिख दूंगा सी एच, ठीक है। तो सी एच नाम के वेरिएबल के अंदर में जो भी कैरेक्टर होगा उसे चेक करेगा क्या वो डिजिट है। अगर रिजल्ट ट्रू होगा तो वो ट्रू इस बी के अंदर में स्टोर होगा, और अगर रिजल्ट फॉल्स हुआ तो भी वो रिजल्ट बी के अंदर में ही स्टोर होगा। तो मैं देख रहा हूँ सी एच के अंदर में तो सर एक लेटर है जो कि डिजिट नहीं है, इसका मतलब बी के अंदर में क्या स्टोर होने वाला है? बी के अंदर में स्टोर होने वाला है फॉल्स। आई होप आप ये बात समझ रहे हो, ठीक है। तो हम क्या किए इस फंक्शन को यूज करने के लिए, सबसे पहले उस क्लास का नाम जिसके अंदर में ये फंक्शन है, फिर डॉट उस फंक्शन का नाम, फिर उस कैरेक्टर का वेरिएबल जहां पर वो कैरेक्टर स्टोर है। फिर मैं जब इस बी को प्रिंट करूंगा तो स्क्रीन पर मुझे दिखेगा फॉल्स, क्योंकि सी एच के अंदर में जो वैल्यू है वो एक डिजिट नहीं है। अगला हमारा जो फंक्शन है पॉइंट नंबर टू, ये है इज लेटर। ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या करेगा, ये भी रिटर्न करेगा हमको बूलियन वैल्यू, इट ऑल्सो रिटर्न बूलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो इसका एग्जाम्पल कैसा होने वाला है, सपोज वही है कैर सी एच इक्वल टू है, मान लो लिखा हुआ कैपिटल ए, और आप लिख रहे हो बूलियन बी इक्वल टू, आपको सबसे पहले लिखना होगा कैरेक्टर जो कि क्लास का नाम है जिसके अंदर में ये इज लेटर नाम का फंक्शन प्रेजेंट है, फिर डॉट इज लेटर, और ब्रैकेट के अंदर में इस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर में मेरा कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो मुझे बताएं कि इज लेटर जो है फंक्शन, ये जब चेक करेगा कि कैरेक्टर के सी एच नाम के कैरेक्टर के अंदर में कौन सा डेटा स्टोर है, तो हमको रिजल्ट क्या देगा? डेफिनेटली रिजल्ट देने वाला है ये ट्रू, बिकॉज सी एच नाम के वेरिएबल के अंदर में एक कैरेक्टर प्रेजेंट है, और ये कैरेक्टर क्या है? लेटर है, इसीलिए मेरा बी के अंदर में क्या स्टोर होगा? ट्रू स्टोर होगा। वेरी गुड, नेक्स्ट इज आवर फंक्शन इज वाइट स्पेस। तो इस फंक्शन का क्या काम होता है? तो ये फंक्शन भी हमेशा चेक करता है कि किसी कैरेक्टर के अंदर में, यानी किसी कैरेक्टर के वेरिएबल के अंदर में स्पेस प्रेजेंट है या नहीं। अगर स्पेस प्रेजेंट है उस कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के अंदर में, तो ये फंक्शन चेक करेगा कि कैरेक्टर है तो रिजल्ट करेगा रिटर्न ट्रू, कैरेक्टर के अंदर में मतलब किस कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के अंदर में स्पेस नहीं है तो इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि कैर सी एच इक्वल टू, सपोज हम ऐसा लिख दिए हैं, स्पेस दे दिए हैं, और हम लिख रहे हैं बूलियन, क्योंकि ये भी एक चेक कर रहा है, ऑब्वियस ये बात है रिजल्ट रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, इसीलिए बूलियन टाइप का वेरिएबल लेंगे। बी इक्वल टू सबसे पहले उस क्लास का नाम जिसके अंदर मेरा फंक्शन प्रेजेंट है, फिर डॉट, फिर लिखेंगे उस फंक्शन का नाम जिसके यूज करके हम लोग चेक करने वाले हैं वाइट स्पेस, और फिर इस वेरिएबल का नाम सी एच। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ऑब्वियसली बात है सी एच नाम के वेरिएबल के अंदर में एक स्पेस है, तो ये इस बी के अंदर में रिटर्न होने वाला है ट्रू, और जब हम प्रिंट करेंगे बी को तो मुझे टर्मिनल विंडो पे ट्रू दिख रहा होगा। वही अगर मान लो यहाँ पर हम स्पेस ना दे करके एक एस्ट्रिक दे देते तो क्या होता, मुझे बी के अंदर में फॉल्स मिल रहा होता, क्योंकि इस सी एच नाम के वेरिएबल के अंदर में एक कैरेक्टर है और वो स्पेस नहीं है, इसीलिए फॉल्स होता। सिंस यहाँ पर एक कैरेक्टर हमारा जो है स्पेस है, इसीलिए मेरा रिजल्ट ट्रू प्रिंट हुआ है। आई होप आप इसी को समझ रहे होंगे। अभी आते हैं कोई हम लोगों का फंक्शन नंबर फोर पे, जहां हमारा है इज अपर केस। इज अपर केस नाम का फंक्शन,
ये क्या करता है, ये भी चेक करता है कि हमारे द्वारा एंटर किया हुआ कैरेक्टर अपर केस में है या लोअर केस में है, मीन्स ये केस को चेक करता है। तो अगर मान लो कि हमारे पास कोई कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है सी एच, उसके अंदर में हम लिखे हैं कैपिटल ए, तो डेफिनेट सी बात है ये चेक कर रहा है तो बूलियन टाइप का ही वैल्यू रिटर्न करेगा। इसलिए बूलियन बी इक्वल टू सबसे पहले उस क्लास का नाम, फिर डॉट, फिर इज अपर केस आवर फंक्शन नेम एंड ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे सी एच। तो मुझे बताओ सी एच नाम के वेरिएबल के अंदर में कौन सा कैरेक्टर है, एक लेटर है और वो लेटर क्या है, कैपिटल में है, तो डेफिनेट सी बात है कि बी के अंदर में क्या रिजल्ट प्रिंट होगा, बी के अंदर में स्टोर होने वाला है ट्रू, बिकॉज अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर। वहीं अगर यहां पर स्मॉल ए रहता तो यहां पर फॉल्स प्रिंट होता। नेक्स्ट नेक्स्ट इज आवर इज लोअर केस। सो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इस फंक्शन के द्वारा रिटर्न होगा एक बूलियन रिजल्ट, और ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि मेरा कैरेक्टर जो एंटर किया हुआ है वो लोअर केस में है या अपर केस में है। तो लोअर केस में होगा तो रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा, अपर केस में होगा तो रिजल्ट फॉल्स रिटर्न करेगा। दैट मीन्स अगर मेरे पास कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल सी एच इक्वल टू आप लिखे हो ए स्मॉल में, और यहां पर आप लिख रहे हो बूलियन बी इज इक्वल टू सबसे पहले क्लास का नाम कैरेक्टर, डॉट इज लोअर केस और ब्रैकेट के अंदर लिख दो सी एच, तो आपका वैसे बी के अंदर में ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट विल बी ट्रू। और वही अगर हम इस सी एच नाम के वेरिएबल के अंदर में कैपिटल ए लिखते तो मेरा रिजल्ट आता फॉल्स। नेक्स्ट फंक्शन इज टू अपर केस, दैट मीन्स ये कोई चेक वगैरह नहीं करेगा, यहां पर जो मेरा फंक्शन है ये किसी भी चीज को चेक नहीं कर रहा है, ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा। अगर लोअर केस में कोई कैरेक्टर है, कैरेक्टर यानी कि वो अगर लेटर है तो ही होगा, तो ये फंक्शन जो है सिर्फ अल्फाबेट्स के लिए काम करता है, यानी कि लेटर्स के लिए काम करता है। तो अगर मेरा लेटर कैपिटल ए है तो ये रिजल्ट क्या करेगा, रिटर्न कैपिटल ए ही रिटर्न करेगा, और अगर मेरा कैरेक्टर स्मॉल लेटर में है तो वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो टू अपर केस है इट ऑलवेज रिटर्न कैरेक्टर टाइप वैल्यू, ये कैरेक्टर वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ये बूलियन नहीं रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई चेक करने वाला काम नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है सी एच जिसके अंदर में आप लिखे हो स्मॉल ए, और आप लिख रहे हो यहां पर कैर सी एच वन इक्वल टू आप लिखोगे कैरेक्टर डॉट कैरेक्टर डॉट टू अपर केस और ब्रैकेट में लिख दोगे सी एच क्या वेरिएबल का नाम सी एच, तो क्या होगा इस सी एच के अंदर में जो भी कैरेक्टर रहेगा उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। सिंस इस सी एच के अंदर में स्मॉल लेटर में ए है तो ये चेंज करेगा स्मॉल लेटर ए को कैपिटल लेटर ए में। और फॉर इंस्टांस मान ले यहां पर हम स्मॉल ए ना लिख करके कैपिटल ए ही लिखते तो फिर क्या होता, तो फिर मेरा रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता, कैपिटल ए है तो कैपिटल ए में ही रहता मेरा रिजल्ट भी। तो यहां पर मेरे पास सिंस अभी जो है वो स्मॉल लेटर ए है तो इस सी एच वन के अंदर में स्टोर हो जाता कैपिटल लेटर ए। एंड द लास्ट वन दैट इज टू लोअर केस, एकदम सही है। अगर आप सोच रहे हो कि ये भी चेक कर नहीं करेगा, ये भी कन्वर्ट करेगा अपर केस कैरेक्टर को लोअर केस कैरेक्टर में, तो बिल्कुल सही है। और ये किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा, ये भी एक कैरेक्टर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। सपोज कर लें कि आपके पास एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है सी एच जिसके अंदर में आप लिखे हो कैपिटल ए, और यहां आप लिख रहे हो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल सी एच वन इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस और ब्रैकेट में डाल दी हो सी एच, तो क्या होगा सी एच के अंदर में कैपिटल ए है तो ये कैपिटल ए कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ए में और सी एच वन के अंदर में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से कैरेक्टर टर्म का जो हमारा रैपर क्लास है उसके अंदर में जो डेटा टाइप है दैट इज कैर,
और उसके अंदर में जो फंक्शंस हैं वो ये 7 फंक्शन हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काम को कर रहा है। आई होप आपको ये सारे फंक्शन के वर्क क्लियर हुए होंगे और कैरेक्टर नाम का जो रैपर क्लास है उसका मतलब समझ में आया होगा, उसके अंदर में जो डेटा टाइप है कैर उसके बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। और इस तरीके से हम सिंगल कोट्स के हेल्प से कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के अंदर में वैल्यूज को स्टोर करते हैं। बट अब सवाल एक आता है कि अगर मान लो कि यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहे हैं, यूजर को ऑप्शन दे रहे हैं कि आप वैल्यू को स्टोर करो, तो हम किस तरीके से कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करेंगे, चलो उसे देख लेते हैं। तो जब किसी कैरेक्टर को मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से स्टोर नहीं करना होता है, यूजर्स के थ्रू हेल्प स्टोर करना होता है, यूजर के हेल्प से स्टोर करना होता है, तो हमारे पास 2 तरीके हैं कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को लेने का। पहला है बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास के हेल्प से हम लोग स्टोर कर सकते हैं, पहला तरीका यह है। दूसरा तरीका हमारे पास जो है तो वो है बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। दूसरा है इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। इन दोनों क्लासेस के हेल्प से आप इजीली यूजर्स के थ्रू वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो अपने कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के अंदर में। आपके पते के लिए बोल दें कि स्कैनर क्लास जो है ये स्टोर है java.util पैकेज के अंदर में, और ये इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास जो है ये प्रेजेंट है java.io पैकेज के अंदर में। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले स्कैनर नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में लिखना होता है system.in, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको यूज करने के लिए आपको इस यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना ही पड़ता है, और इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है इंपोर्ट java.util.*, ये लिखना पड़ता है आपको, और उसके बाद ये आपका काम होगा जहां हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सपोज आपने लिखा है char ch, तो इसके अंदर लिखेंगे sc.next, फिर डॉट, फिर char at, फिर ब्रैकेट में 0। ये पूरा जो आपका है ये वो कोड है जिसके हेल्प से यूजर्स के थ्रू आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के अंदर में बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। अगर आप इसके हेल्प से करना चाहते हो इनपुट स्ट्रीम रीडर, तो आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट java.io.*, और इसके अंदर में आपको क्रिएट करना होगा क्लास के अंदर में कि इनपुट स्ट्रीम रीडर एक ISR इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और ब्रैकेट में लिखना होगा आपको system.in। तो यहां पर आपका जो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। एक और क्लास हमारे पास स्टोर रहता है, दैट इज बफर्ड रीडर। बफर्ड रीडर br इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, न्यू बफर्ड रीडर, ब्रैकेट में होता है ISR। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, 2 अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होते हैं। उसके बाद आप चाहो तो ले लो एक वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का ch, और इसके अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले char, और फिर लिखना पड़ता है आपको br.read। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है जहां हम 2 अलग अलग क्लासेस के हेल्प से यूजर्स के थ्रू कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को कैरेक्टर नाम टाइप के वेरिएबल के अंदर में स्टोर करवा सकते हैं, और फिर उसके जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं उसको हम मैनिपुलेट करेंगे उन डेटा के साथ जो कि यूजर ने स्टोर किया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करना था आपके साथ कैरेक्टर के सारे
टॉपिक्स में आपको जानकारी देनी थी, सारे फंक्शंस के बारे में जानकारी देनी थी, सारे डेटा टाइप्स के बारे में बात करनी थी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा टॉपिक के बारे में बात करना था। तो आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।